देखिए सपने, बेटी से बढ़ के कोई सपने नहीं है मेरे। मेरी बेटी सबसे बड़ी चीज है, बस मेरी बेटी सुरक्षित वापस आ जाए। सपनों का क्या है, फिर होता रहेगा। ये है अंशिका की माँ सीमा श्रीवास्तव। बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना देखा था, MBBS की पढ़ाई के लिए वतन से दूर यूक्रेन भेजा। अब तक इस बात का गर्व था, खुशी थी, लेकिन आज यही गम और चिंता का सबब बन गया है। कह रही हैं, सपनों का क्या, फिर होता रहेगा। देखिए अभी वो तो 13 दिसंबर को गई ही थी, बस हमको चाह रहे कि जल्दी से जल्दी आ जाए और इंडिया में भी कोई पढ़ाई करे। विदेश का कोई ऐसा कुछ नहीं है, बस जल्दी से जल्दी आ जाए। हाँ, यहाँ के DC बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्या नाम है उनका, कुलदीप चौधरी जी, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। और कहिए सोरेन जी से, वो भी कुछ करे, मोदी जी तो कर ही रहे हैं। बस जल्दी से जल्दी सारे बच्चों को ही, मेरी बेटी नहीं सबकी बेटियां आ जाए वापस। अभी आप लोग कितने तनाव में हैं? अरे बहुत है, हम लोग 8 बजे कि खाना बन रहा है, कि कब खाना बन रहा है, कब नाश्ता, कुछ भी होश नहीं है। बस बेटी जल्दी से जल्दी आ जाए। आप लोग कोशिश कीजिए, आप लोग मीडिया में तो बहुत पावर होता है, ऊपर तक बात पहुंचाइए। तो फिर मेडिकल पढ़ाने भेजे, आपने सपना देखा था मेडिकल का भी? अब क्या करें, देखिए सपने, बेटी से बढ़ के कोई सपने नहीं है मेरे। मेरी बेटी सबसे बड़ी चीज है, बस मेरी बेटी सुरक्षित वापस आ जाए। सपनों का क्या है, फिर होता रहेगा। अब देखिए बेटी तो हम लोग को टालने के लिए बोल रही है कि सब नॉर्मल है, जबकि नॉर्मल कुछ नहीं है। न इन लोगों के पास पानी है, न खाना है। 2 दिन का स्टॉक पानी का था और लाइट कट गई है वहां पे, क्योंकि शायद ये रशिया वाले वहां पे पावर प्लांट पे वो कर लिए हैं, मतलब कब्जा कर चुके हैं, तो लाइट वाइट नहीं है वहां पे, तो अभी तो बहुत परेशानी है उन सबों को। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध ने भारत के हजारों परिवारों की रातों की नींद उड़ा दी है। यूक्रेन से मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने बच्चों के डॉक्टर बनकर आने को लेकर टकटकी लगाए ऐसे कई परिवार त्राहिमाम कर रहे हैं। अपने बच्चों के भविष्य से ज्यादा उन्हें अब उनके वर्तमान की चिंता सताने लगी है। वे चाहते हैं कि उनके लाडले लाडली किसी तरह सही सलामत वापस अपने देश और अपने घर आ जाएं। मेरा तो बहुत सारा हेल्थ इशू है, फिर भी उसी के साथ भी रात भर उन लोग का तो टाइमिंग चेंज है, फिर भी रात 2 बजे तक हम जागे रहते, कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ आएगा, परेशान तो है। वही गवर्नमेंट तो अभी रेस्क्यू करेगा करके शुरू किया कल सुबह से, तो ये लोग 6th ईयर के बच्चे हैं, तो 6th ईयर की वजह से इन लोग को बोला गया कि 1st ईयर सब पहले पहले जूनियर्स को निकाला जाएगा, उसके बाद तुम लोग को। तो 1500 बच्चा है उजगो रोड में, ये लोग जहां पर है। तो स्टार्टिंग में शायद 1st ईयर सेकेंड 500 बच्चे, तो अभी उन लोग का बॉर्डर है, ये जो हंगरी है बॉर्डर उन लोग का पास में ही है, तो उन लोग का कितना बस में शायद आज सुबह जर्नी की है, अभी तक तो नहीं पहुंचे उन लोग का, सिटी का कोई बच्चा अभी तक इंडिया में नहीं पहुंचा, लेकिन शुरुआत हुआ है। बोकारो के भी ऐसे 5 परिवार हैं जिनके बच्चे वहां फंसकर अनिश्चितता में पड़े हुए हैं और उनके परिवार के लोग उनकी सलामती को लेकर तड़प रहे हैं। सभी से उनकी एक ही गुहार है कि उनके बच्चे जैसे भी हो सही सलामत घर पहुंचा दिए जाएं। फोन की घंटी बजते ही पहले तो सबका दिल धड़कता है, फिर अपने बच्चों का हाल जानकर उन्हें थोड़े समय के लिए तसल्ली मिल जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही चिंता। बच्ची मेरी जो है सुरक्षित जो है इंडिया लौट जाए, और पढ़ाई के लिए भेजे हुए थे, अब तो पढ़ाई का विशेष वो नहीं है, अब बच्ची हमारी सुरक्षित आ जाए किसी भी तरह से, और यही हमारी जो है कामना है। और ये अनुरोध भी ये है जो है भारत सरकार से और जो है झारखंड सरकार से और उससे जुड़े जो है लोगों के जो इंडिया से बच्चों को, इंडिया के बच्चों को लिखे आ रहे हैं। इतने हम लोग परेशान हो गए थे कि TV पे जितने भी हेल्पलाइन नंबर दिए हुए थे सब पर हम लोग कांटेक्ट करने का कोशिश किए, परंतु सभी में यही जो है रिस्पांस आ रहा था कि ये नंबर वैध नहीं है। बहुत लेट में हम लोग सोते हैं 12-1 बजे तक, बीच में नींद भी खुल जाता है कि बच्चे का कोई समाचार मिले, इस तरह का जो है हम लोगों के अंदर वो रहता है, तो रात में ठीक से सो भी नहीं पाते हैं, दिन भर हम लोग TV के सामने भी बैठे रहते हैं, फोन का भी इंतजार। आज सुबह मॉर्निंग में बात हुई है हमारी, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा होने जा रहा है कि जब तक नेटवर्क है तब तक तो हम लोग बातचीत कर लेते हैं, लेकिन वहाँ का नेटवर्क भी अब फेल होने जा रहा है। क्या बात हुआ, कैसे हो, कहाँ हो? तो वह बंकर में है और खाने पीने का स्थिति भी ठीक नहीं है, पैसे का भी प्रॉब्लम है, डॉलर अब मिल नहीं रहा, पैसे का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ना तो ATM खुला है, ना तो ATM में पैसे है, ना तो बाहर निकल सकता है, क्योंकि वहाँ मार्शल लॉ भी लागू हो चुका है। इधर हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने भी इस दिशा में यथासंभव कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
जिस पर जिला प्रशासन ने उन परिवारों की सुध लेनी शुरू कर दी है जिनके बच्चे यूक्रेन संकट के कारण फंस गए हैं। जिला प्रशासन ने सभी से अपील की है कि वे अपने बच्चों के बारे में जानकारी दें ताकि उन्हें वापस लाने में मदद की जा सके। अब तक जिला प्रशासन के पास 5 परिवारों ने जानकारी भेजी है, जिसके बाद प्रशासन ने मिले जानकारी को समुचित कार्रवाई के लिए राज्य सरकार के विशेष सेल को भेजा है। रूस यूक्रेन के इस परिस्थिति के समय में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश जारी किया गया है, उसको लेते हुए पूरे जिले भर में हम लोगों ने यहां से एक प्रपत्र भी दिया गया है, जिसको ट्विटर के माध्यम से, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सभी को हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जिन किन्हीं के संपर्क में कोई उनके परिजन या आसपास में कोई मित्र हैं जो बोकारो जिला से हैं और आज यूक्रेन में फंसे हुए हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें साझा करें। कल शाम से लेकर अभी तक हमें टोटल 5 लोगों की जानकारी मिली है और उन 5 बच्चों का जो डेटा है वो हम लोगों ने यहां से जिला से राज्य को भेज दिया गया है और राज्य स्तरीय टीम के द्वारा इसमें एम्बेसी के बाद से साथ बात करके उनको वापस लाने की कार्रवाई की जा रही है। अपने बेटे बेटियों को डॉक्टर बनाने का सपना देखने वाली आंखें अब पथराने लगी हैं। आंखें अपनों को सही सलामत देखने को तरस रही हैं। रातें बेचैनी में कट रही हैं, दिन दुआओं में गुजर रहा है। इन आंखों को बस इंतजार है कि उनके लाडले लाडली जल्द से जल्द उनके पास आ जाएं। ये लग रहा है कि भेजे हुए हैं, क्या सिचुएशन कब नॉर्मल होगा या वो फिर कितने जल्दी वहां जा पाए। आसानी तो है कि आ जाए तो हम लोग कुछ सुकून मिले, चैन मिले जो है। न्यूज विंग के लिए बोकारो से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। Greenland is a small place and we have like very less facilities in terms of, you know, education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridi, those who are leaving the town and going outside for, you know, studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn, you know, this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, you know, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.